कितने बच्ची के साथ जो वाला मामला सामने आया, इसमें अपडेट क्या क्या है सर? कितने लोगों को, संदिग्ध लोगों को जो है हिरासत में? उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम जो कि 25 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था, और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई, और कायमी के बाद एक SIT गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सके थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए, और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया, और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है, और बच्ची सतना की है, और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ एक दिन पहले की है, तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं, और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। उसके साथ में कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है? इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो घटना समय, घटना दिनांक, घटना स्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत हुई थी।